घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। आज मैं पंडित राम कुमार गोस्वामी तो ये बताना चाहेंगे, इस समय राहु केतु शनि से लगभग लोग बहुत पतित रहते हैं, परेशान रहते हैं जन्मांक में, तो इनका कुप्रभाव ही नहीं होता है, सुप्रभाव भी होता है। यदि जन्मांक में 3/6/11 पे या अच्छी दशा में अच्छे हाउस में बैठे हैं तो ये लाभ भी करते हैं और हानि भी करते हैं। यदि राहु केतु आप में कुछ खराब हैं तो उसके लिए आपके आपके मन में अशांति बढ़ जाएगी और आलस बढ़ जाएगा, आपके आसपास के लोग वितकर्म पैदा कर देंगे, आपके चलते हुए काम कुछ रुक जाएंगे, घर में कलह हो जाएगी, आपका बाथरूम गंदा हो जाएगा, रसोई गंदी हो जाएगी, आप का बिस्तर जो बिस्तर है वो सही से आप नहीं रखेंगे। तो पहली बात, यदि राहु केतु खराब है तो घर का बिस्तर सीधा होना चाहिए, बाथरूम अति शांत होना चाहिए, साफ होना चाहिए, किचन के पात्र जो जूठे वाले हैं शाम को वो यदि मतलब रसोई में ना साफ किए जाएं तो उनको ला करके बाथरूम में रख दिया जाए, क्योंकि घर में बाथरूम में रसोई में यहाँ यहाँ राहु का वास रहता है, तो इन स्थानों की शुद्धि की जाए। और दूसरी बात एक है कि बहुत सरल तरीका है कि आप प्रातः समय उठें, तो प्रातः समय उठें सूर्योदय से पहले और अपने आसन के ऊपर 24 बार ओम दुर्गा ओम दुर्गा ओम दुर्गा इसका स्मरण करें, तो दुर्गा आपके दिन की दिनचर्या की जो दुर्गति है उसको शांत करेगी और दिनचर्या आपकी बहुत अच्छी निकलेगी। उसके साथ में यदि आप एक महामृत्युंजय का माला कर लें, और यदि ये नहीं कर पाते हैं तो 2 या 5 माला ओम नमः शिवाय के कर लें, ये भी यदि नहीं कर पाते हैं तो शिव पुराण की एक पुस्तक है अमोघ शिव कवच, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा एसम विजय उपाय न दूजा, आप बस स्नान करके और बस इस अमोघ शिव कवच का 7-8 मिनट में इसका पाठ हो जाता है शांति से, फिर थोड़ा जल छोड़ करके अनामिका उंगली से अपने मस्तक हृदय में लगाएं, भगवान शिव का ध्यान करें, तो आपको दिन भरे में आप संदेशा अच्छे मतलब अच्छे सुनाई देंगे। यदि सुबह माँ भगवती दुर्गा का स्मरण कर लेते हैं ओम दुर्गा, उसके बाद में अमोघ शिव कवच का पाठ कर लेते हैं, तो जन्मांक में जितनी भी ग्रह अरिष्ट हैं या आपका समय थोड़ा गलत है तो शिव बाबा आपका सारा समय ठीक करेंगे, आप कल्याण के भागी बनेंगे। जय श्री कृष्ण। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम आपकी राय के अनुसार ही कार्यक्रम बनाते हैं, अपनी राय जरूर दें।